वही सब्जियाँ, वही सूजी, लेकिन नया टेस्ट, नया नाम, नया लुक। तो चलिए बनाते हैं उपमा इन अ डिफरेंट स्टाइल। तो चलिए पहले सूजी को रोस्ट कर लेते हैं, उसे पका लेते हैं। सूजी डालेंगे हम एक पैन में। जब सूजी लाइट ब्राउन हो जाए, यानी कि सूजी पक गई है, तब तक हम उसे रोस्ट करेंगे। सेमोलिना सूजी का इंग्लिश टर्म है, लेकिन हम इंडिया में इसे सूजी या रवा के नाम से भी जानते हैं। एंड ये हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उनकी फीवर और खांसी को कंट्रोल करता है। आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे ये सूजी अपना कलर चेंज कर रही है। अब हम इसे एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और साइड पर रखेंगे। अब हम लेंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा तेल, ताकि बटर जल ना जाए। लेट्स मेल्ट द बटर। ओके, अब हम इसमें डालेंगे जीरा को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, जस्ट अबाउट लिटिल, और हरा धनिया। सबको अच्छी तरह रोस्ट करके पका लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा प्री रोस्टेड सेमोलिना रवा सूजी। चाहे आप इसे जिस नाम से बुला लीजिए, एक ही है। लेट्स मिक्स इट। ओके, टाइम टू ऐड सम वाटर। ये पानी थोड़ा सा गर्म है, इट्स नॉट रूम टेम्परेचर। अगर गर्म होगा पानी तो आपके लम्स फॉर्म नहीं होंगे। अच्छी तरह मिला लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बना क्या रही हूं। मैं बना रही हूँ सूजी पिज्जा। इट्स एन इटालियन डिश, नॉकी डॉकी के नाम से जाना जाता है। तैयार है हमारा उपमा। अब हम इसे थोड़ा सीजन करेंगे नमक के साथ। आप देख रहे हैं ये कैसे थिक होता जा रहा है। अब हम इसे उतार लेंगे एक डिश में, एक ऐसी डिश में, क्योंकि हमें पिज्जा का बेस फॉर्म करना है। सो जस्ट सी व्हाट आई एम गोना डू नाउ। एक 1 सेंटीमीटर थिक बेस फॉर्म करना है हमें। इसको और फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा सा पानी लीजिए बटर के साथ, एंड जस्ट स्मूदन आउट। ये तैयार हो गया पिज्जा बेस। अब हम बनाएंगे इसकी टॉपिंग। स्टार्ट द हीट। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए टमाटर कटे हुए। याद रखिएगा, टमाटर ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसे क्यूब्स में काटना है और उसके सीड्स हमें नहीं चाहिए। एंड लेट्स सॉटे देम, ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। टमाटर तो बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर कुक हो गए हैं। नाउ इट्स टाइम टू टिप इन द शिमला मिर्चीस। हियर दे गो। जस्ट लुक एट ऑल द कलर्स दैट्स कमिंग टुगेदर। वाओ। बेसिल लीव्स हम पूरी ले रहे हैं, एंड जस्ट टेयर देम इनटू द पैन। वाओ, रेडी है हमारी रंग बिरंगी हेल्दी टॉपिंग। अब हम इस पिज्जा बेस को थोड़ा लूजन करेंगे नाइफ की मदद से। ओके, अब अपसाइड डाउन। वाओ, अब हम प्लेस करेंगे हमारी टॉपिंग
इसके ऊपर पूरा भर दीजिए टॉपिंग से। कितना कलरफुल और अच्छा लग रहा है ना। एक्सेलेंट। अब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे चीज। देख रहे हैं अ डिफरेंट स्टाइल पिज्जा। वी जस्ट हैव टू लेट द चीज मेल्ट एंड इट्स रेडी टू ईट। सो लेट्स पुट दिस इन द ग्रिलर। 3 से 5 मिनट तक ओवन में ग्रिल कर लेंगे। चीज मेल्ट हो चुका है और हमारी डिश रेडी हो चुकी है। इटालियन डिश विद अ इंडियन तड़का। इसको पिज्जा की तरह 4 स्लाइसेस में आप काट सकते हैं। ओके, लेट्स जस्ट लाइटली लिफ्ट दिस अप। ओके, इसे सर्व करिए चटनी और केचप के साथ अपने लाडलो को। वो भूल जाएंगे बोरिंग उपमा और नारे लगाएंगे नॉकी डॉकी मामा सम मोर। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी का क्विक रिकैप। नॉकी डॉकी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हरी मिर्च, 2 टीस्पून कटा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून तेल। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए लंबी कटी हुई लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च, 2 कटे हुए टमाटर, 20 ग्राम चीज, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून तेल और कुछ तुलसी के पत्ते। तरीका, सूजी को भून ले और निकाल कर साइड पर रख दे। उसी पैन में थोड़ा बटर और ऑयल डालकर गरम कर ले। फिर जीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सौटे कर ले। फिर उसमें भुना हुआ सूजी डाले, पानी और नमक डालकर सौटे करें। फिर ग्लास डिश पर सूजी के मिश्रण का बेस तैयार कर ले। अब टॉपिंग बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम कर ले। उसमें डाले टमाटर, पीली, हरी और लाल शिमला मिर्च, तुलसी के पत्ते और नमक डालकर मिलाएं। सूजी के बेस को प्लेट पर निकालें और टॉपिंग को सूजी बेस पर सजाएं। इसे चीज से गार्निश करें और ओवन में 3 से 5 मिनट तक ग्रिल करें। इस रेसिपी को पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन करें।